स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी और न्यू टॉपिक सबसेट्स। बच्चों, सबसेट क्या होता है? जैसे आपको कोई सेट दिया है, उस सेट के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट लेकर जो नया सेट बनता है वो उसका सबसेट होता है। जैसे देखिए जरा, इस सेट, सेट का नाम मैंने दिया कैपिटल ए। इस सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। और आप ऐसे कहेंगे, देखिए ये सबसेट का साइन है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? वी रीड इट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी If A belongs to A, मैम ने शायद आपको बताया हो ये साइन किसका बच्चों? belongs to। If A belongs to A implies A belongs to B, यानी जो A का मेंबर है वो B में जरूर है, या फिर A के सारे मेंबर कहाँ से आए हैं? B से आए हैं। तो B इसका बड़ा सेट है, सुपर सेट है, जिसका A कोई सबसेट है। इस साइन को तो आप जानते ही हैं क्या है, इम्प्लाइज। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे A कोई सेट है, A में मेंबर हैं बच्चों जैसे 1 और 2 और 3, ये ले लेता हूँ 1 2 3। तो इसमें से मान लीजिए मैंने 1 लेके एक सेट बनाया, तो ये इसका सबसेट है। 2 लेके सबसेट, 3 मैंने 1 2 ले लिए तो भी सबसेट है, 1 3 ले लिए तो भी इसका सबसेट है, 2 3 लिए वो भी इसका सबसेट है, और 1 2 3 ये भी उसका सबसेट है। तो ये इस सेट के सारे सबसेट हैं। एक बच्चों 5 जो एम्प्टी सेट होता है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। और आप ये देखो, तो ये तो एज इट इज यही सेट है, तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप जरा इन्हें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5, टोटल कितने सबसेट है बच्चों? 8। तो अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 8। तो इसे फार्मूले के रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ सेट ए कंटेन्स एन एलिमेंट्स then number of subsets will be equal to 2 to the power 1। अब आप देखो, जैसे ये 3 थे तो 2 to the power 3 means 8। अगर ये 2 न मेंबर होते तो कितने सबसेट बनते बच्चों? 2 to the power 2 यानी 4। और अगर 4 एलिमेंट होते तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते 2 to the power 4। इस तरह से आप फार्मूले से भी बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। एक और आपको सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट जिसमें केवल एक ही मेंबर हो, इस सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट,
is called a singleton set. ठीक है बच्चों, जैसे ये देखो इसमें यहाँ पे ये सिंगलेटन सेट, ये भी सिंगलेटन सेट, ये भी सिंगलेटन सेट है। ठीक है, इसमें क्या है, सिंगल एलिमेंट्स है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लो सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, आपने पीछे सिंबोलिकली देखा है कि n से रिप्रेजेंट करते किसे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और बच्चों z किसे कहते हैं आप, सेट ऑफ इंटीजर्स। और q किसे कहते हैं आप, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। और आप क्या, आर किसे कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपने देखा है ना कि जो नेचुरल नंबर हैं पूरे, वो किस में, इंटीजर्स में होते हैं। तो एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, पूरे इंटीजर रेशनल होते हैं। तो जेड में भी ये सबसेट ऑफ क्यू, और ये सारे नंबर रियल होते हैं। तो दीज ऑल आर सबसेट्स ऑफ आर। एन आर का सबसेट है, जेड भी आर का सबसेट है, और क्यू भी आर का सबसेट है। तो इस तरह से आप रियल नंबर्स पर देख सकते हैं कि सारे नंबर्स के जो सेट हैं वो रियल नंबर के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। अब इसमें बच्चों आपका जो है इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ, इंटरवल्स एट सबसेट्स ऑफ आर, देखो बच्चों इंटरवल होते हैं इसमें आपके चार टाइप के। एक इंटरवल ये है, एक ये है, और एक इंटरवल ये है, और एक इंटरवल ये है। ये चार टाइप के इंटरवल है। जैसे यहां मैं लिखता हूं ए बी, तो ए बी इंटरवल का मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए बी है, बी बी है, और उनके बीच के सब मेंबर भी हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इट कंटेन्स एक टाइप एलिमेंट सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड इक्वल टू बी। जैसे बच्चों मान लो मैं एक लेता हूं आपके लिए 2 to 10, तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 से 10 तक के सब मेंबर हैं, इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 10। ठीक है, अब ये दूसरा, इसे कहते हैं, ये हो गया बच्चों, इसका नाम होता है ऊपर वाले का क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें जैसे मैं लिखता हूं ए बी, तो इसमें ना ए है ना बी है, पर बीच के सब मेंबर्स हैं। यानी इट मींस इट कंटेन्स एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। देखो हमने यहां इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि ना ए है इसमें ना बी है, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसे कभी कभी ऐसे ब्रैकेट में भी दिखा सकते थे, ये भी इसका तरीका है दिखाने का। तो इसमें आपका जो सेट है 2 to 10 का, उसमें क्या होगा, ना 2 होगा ना 10 होगा, पर बीच के सब मेंबर होंगे। अब देखिए ये जैसे ए बी, इसमें क्या है बच्चों, देखिए आप ए नहीं है पर बी है, बी की तरफ क्लोज्ड है, तो बी इसका मेंबर है। तो इसमें ए नहीं है, इट मीन्स इट कंटेन्स एक्स टाइप मेंबर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड इक्वल टू बी, बी इसमें लेना है आपने। और जैसे ये वाला, इसमें आपको क्या, ए इसका मेंबर है, बी नहीं है, तो इट लाइज बिटवीन इक्वल टू ए लेंगे इस बार एंड लेस देन बी। इन दोनों का नाम आप दे सकते हैं
सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, समझ गए ना? इस तरह से ये आपका इंटरवल के रूप में आप बता सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, एक सेमी क्लोज्ड, एक सेमी ओपन, या सेमी, दोनों को सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। अब एक पावर सेट का डेफिनेशन, पावर सेट किसे कहते हैं बच्चों? पावर सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के पूरे सबसेट हों। द सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज सेट टू बी पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई एस ए पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए इज ए सेट कंटेनिंग टू मेंबर्स, वन एंड टू, तो इसके पूरे सबसेट जिस सेट के में रखे जाएं उसे क्या कहेंगे? पावर सेट। तो पावर सेट में कौन आ जाएंगे बच्चों? इसके सभी सबसेट। तो एक सबसेट इसका है वन, एक सबसेट इसका टू, एक सबसेट इसका खुद यही वन टू, और एक सबसेट क्या होता है बच्चों? फाइव। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। लास्ट डेफिनेशन इसमें है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है आप उसे समझ लें बस। यूनिवर्सल सेट का मतलब है बच्चों, जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड जिसमें सब आ जाता है। तो जिससे मान लीजिए मैं कहने लगूं कि भाई इंटीजर का सेट है, या नेचुरल नंबर का सेट है, या होल नंबर का सेट है, इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये सब उसके ही सब सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब बेसिकली किससे है? जो बेसिक सेट है उसका। ठीक है, तो आप इसे एग्जांपल के रूप से दिखा सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने आपको बताया बेसिक सेट। जैसे आप कह सकते हैं इस सेट that contains all sets in a given context is called the universal set. तो बच्चों आज ये डेफिनेशंस आप लिख लेंगे पूरी, इन्हें समझ लेंगे, जो डाउट होगा मुझे शेयर करेंगे, और तब हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल। थैंक यू।